दोस्तों हमारा YouTube का पैसा दोस्तों आ चुका है हमारे बैंक अकाउंट में 100%। लेकिन दोस्तों YouTube का जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया, लेकिन इसमें मेरे को दिक्कत क्या हुआ, कैसे कैसे आया, इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शुरू से कि देखिए, अगर आपको अगर यूट्यूब से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको एक यूट्यूब पर चैनल बनाना होता है। जैसे ईमेल आईडी के जरिए आपका एक यूट्यूब चैनल आप जब बना लेंगे, बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा कि वहां पे दोस्तों अपने चैनल पे दोस्तों एक क्राइटेरिया यूट्यूब की तरफ से दिया जाता है, जो कि दोस्तों यूट्यूब हमें वहां पे बोलता है कि आप 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1000 लोगों को दिल जीत के दिखाओ और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए आपके चैनल पे। तो जाके ये चीज़ सब कंप्लीट जब आपकी हो जाती है तो जाके आपका चैनल को मोनेटाइज किया जाता है, यानी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई कर देंगे तो आपका चैनल 24 घंटे से पहले आपका रिव्यू होकर वापस चला आता है, मतलब वो यूट्यूब का जो टीम होती है वो टीम आपके चैनल का रिव्यू करता है, जो कि आपका आपने वीडियो कैसा डाला है, क्या डाला है, कहीं से दूसरे का कॉन्टेंट उठा के तो नहीं डाला है, ये सब चेक किया जाता है कि ये सब सही पाया गया आपका, तो आपका चैनल दोस्तों 24 से 48 घंटे के भीतर ही आपका चैनल को मोनेटाइज करके आपको मोनेटाइज हो जाता है। फिर आपके तरह आपके पास एक यूट्यूब के तरफ से एक मेल आता है, जिस मेल में लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट फोटो दे दूंगा, तो आप देख सकते हो कि ऐसा ही स्क्रीनशॉट फोटो आपको भी देखने को मेल आता है, तो आपको भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो फिर इसके बाद अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर आप सब्सक्राइबर का भी आपको पैसा मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइबर को आपको 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए क्यों आपको बोलते हैं, आगे बताऊंगा, पहले इसका मैं पूरा आपको जानकारी दे दूं थोड़ा सा। फिर दोस्तों मैंने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमने कम्प्लीट किया। कंप्लीट कर देने के बाद दोस्तों उस पर क्या हुआ कि फिर इसके बाद में हम उस पर वीडियो अपने चैनल पे डालना स्टार्ट किया, थोड़ा 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 करके एक दो कभी डालता था, कभी नहीं डालता था, कभी डालता था, कभी नहीं डालता था। वीडियो डालते डालते एक वीडियो हमारी उसमें से वायरल हो गई, जो कि दोस्तों हमारा जो वीडियो था कुछ फ़ोनपे के रिवॉर्ड के बारे में, तो उस वीडियो हमारा वायरल हो गई। तो वायरल होने के बाद उस वीडियो से दोस्तों हमको कितना सब्सक्राइबर मिले, तो 1300 सब्सक्राइबर मिले और 4000 घंटे का वॉच टाइम एक ही वीडियो से मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग भी अगर कंप्लीट 4000 घंटा करना चाहते हैं तो आप अपने मन में धीरज रखिए और एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि यूट्यूब पे अगर आप यूट्यूब पे क्या होता है, कभी कभी आपका लक साथ देता है, ये लक साथ देता है। अगर आपका लक सही है तो आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाने लगोगे, अगर आपका लक सही नहीं चल रहा है तो आप दोस्तों वर्षों लग जाएगा फिर भी आप यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमा सकते हो। यूट्यूब एक रिस्की जॉब है, ये बात आप समझ लीजिएगा कि आप एक यूट्यूब पर निर्भर रहिएगा तो भैया आप ये गलत आप कर रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब का जो हमारे फर्स्ट पेमेंट आया वो कैसे आया। तो देखिए, जब हम अपने चैनल पे सब चीज़ जो भी मेरा क्राइटेरिया था, मैंने क्राइटेरिया को मैंने कंप्लीट कर लिया सब। जब हमारी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमने अपने चैनल पे वीडियो एक दो डाला। डालने के बाद दोस्तों कुछ हम वहाँ पे डालें तो वहाँ पे हमारे व्यूज काउंट होते हैं, तो जब हमारा वीडियो चलता है लोग जब देखते हैं तो उस वीडियो पे थोड़ा बहुत ऐड आने लगा। जब ऐड हमारे वीडियो पर आया तो उससे मेरे को कुछ डॉलर बने, तो उस डॉलर को लेने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ा, एक हमें एडसेंस अकाउंट भी बनाना पड़ा। जब एडसेंस अकाउंट आपको साथ साथ ही बन जाता है, तो अगर आपको $10 से पहले आप बनना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आप चैनल अपना एडसेंस अकाउंट बना लीजिए, एडसेंस बना लीजिए, वो सही रहेगा। अगर आप पहले बना लेंगे तो वो भी सही है, कोई भी दिक्कत आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। मैंने तो पहले ही बना लिया था, चैनल बनाने से स्टार्ट करने से पहले ही मैं अपना एडसेंस अकाउंट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो उसमें जो फिर उसमें आपको $10 जब हो जाएंगे आपके एडसेंस अकाउंट में
तो वहाँ पे आपको एक लिफाफा में गूगल एडसेंस की तरफ से एक लिफाफा भेजा जाएगा। उस लिफाफा का स्क्रीनशॉट मैं इधर साइड में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर उसमें आपको 6 अंकों का एक कोड रहता है, आप OTP बोलिए या कोड बोलिए, दोनों सेम बराबर ही होता है। तो उस आप जब एडसेंस अकाउंट जब आप ओपन कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि आप अपना जो भी कोड आपका जो लिफाफा में गूगल एडसेंस की तरफ से जो आया है उससे आपको उस वाला कोड को आपको यहाँ पे डालना होता है। जैसे यहाँ पे अपने एडसेंस अकाउंट खोलिएगा तो वहाँ पे आपको कोड मांगेगा कि वेरीफाई कीजिए अपना कोड डाल के, तो कोड आप डाल के वेरीफाई कर दे। तो मेरे पास कोड एडसेंस का पिन आया, मैंने वहाँ पे कोड अपना डाला तो मेरा वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। जो एडसेंस बहुत से लोग ये भी हमसे पूछेंगे कि सर हमारा तो कितने दिन में, मतलब वो कोड जो है लिफाफा जो है गूगल एडसेंस के कितने दिन में आ जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप शहर में हैं, जैसे शहर में है सिटी में है आप, तो आपको 1 हफ्ता के अंदर आपको गूगल एडसेंस का लिफाफा पहुंच जाएगा आपके घर पे। अगर आप थोड़ा देहात एरिया में रहते हैं तो आपको दोस्तों 15 दिन का टाइम लग जाएगा, 15 से 20 दिन का टाइम आपको लग जाएगा। हमारा जैसे देहात एरिया में हम लोग रहते हैं तो हमारे देहात एरिया में रहते हैं तो हमारा लमसम लग गया था 15-20 दिन के आसपास, मुझे लग गया 15-20 दिन के आसपास हमारे डाक ऑफिस में पहुंच गया था। कोई दिक्कत मेरे को उसमें देखने को नहीं मिला क्योंकि वो डाक वाला खुद आपके जो भी आपने गूगल एड्रेस में जो एड्रेस देंगे वो डाक वाला आपके घर पे पहुंचा देता है। तो आप उसे कोड डाल लीजिए। जब मैंने सब कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कि हम पेमेंट, जब हमारी $10 हो गई तो हमने यहाँ तक तो हमने समझ लिया बात को, अब बात करते हैं कि अब पैसा हम या अब कैसे बैंक में निकालेंगे। तो दोस्तों फिर इसमें क्या हुआ कि जब हमारे एडसेंस अकाउंट में $100 हो गए कम्प्लीट, $100 कम्प्लीट हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो एक बैंक ऐड कर लेते हैं। तो फिर मुझे एक YouTube की तरफ से एक मेल आता है जब कि आप अपना बैंक अकाउंट, प्लीज़ बैंक अकाउंट अपडेट करें, वहाँ पे मुझे एडसेंस की तरफ से मेल आता है। तो मैंने सोचा कि इसमें बैंक अकाउंट ऐड कैसे होगा भाई, तो फिर मैंने वहाँ पे अपना कुछ बैंक अकाउंट मैंने अपना वहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर वहाँ पे एक मुझे वहाँ पे सस्पिशन में मैंने पड़ गया, मैं सस्पिशन ये पड़ गया कि एक स्वीट कोड क्या होता है। तो फिर मैं स्वीट कोड के लिए मैं सोच में पड़ गया कि स्वीट कोड होता क्या है भाई साहब आके के। तो फिर मैं बैंक में गया, मैंने बैंक से वाले बैंक में गया, जो भी मेरा बैंक अकाउंट में जो खाता था मैंने वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे मैनेजर साहब से मैंने बात किया, मैंने बोला सर मुझे स्वीट कोड चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप स्वीट कोड करोगे क्या, तो मैं बोला कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ और मुझे YouTube का पेमेंट अभी $100 हो चुके हैं, तो वो मुझे पेमेंट लेना है, इसके लिए मुझे स्वीट कोड वो वहाँ पे Google AdSense में मांगा जा रहा है। तो वो लोग, अगर आप देखिए अगर आप शहर में रहते हैं, अगर सिटी में रहते हैं तो आपका अगर सिटी में बैंक है तो वो लोग समझ जाएंगे, अगर आप देहात में हैं तो वो लोग नहीं समझेंगे कि स्वीट कोड का मतलब क्या होता है। गांव वाले जल्दी नहीं समझ पाते हैं कि स्वीट कोड का मतलब होता ही क्या है। तो स्वीट अगर आप शहर में रहते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे कि स्वीट कोड का मतलब क्या होता है, उनको पता होता है। तो स्वीट कोड का मतलब यही होता है, बाहर का पैसा अगर लेन देन करते हैं तो ट्रांजेक्शन के लिए वो स्वीट कोड दिया जाता है। तो फिर मेरे को मैं गया, मैं ऐसे गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे भी आप अगर सर्च करेंगे तो गूगल पे भी स्वीट कोड आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने गूगल पे इसलिए सर्च नहीं किया कि बहुत सारे लोगों को क्या है मर्चेंट हुआ है, तो इसके लिए कहीं हो सकता है कहीं स्वीट कोड बदल गया हो। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा, आप डायरेक्ट बैंक में चले जाइएगा, अपने मैनेजर साहब से मिल लीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा तो उनके सब बताइएगा तो आपको स्वीट कोड दे देंगे। जब स्वीट कोड दे देंगे वहाँ पे आपको नाम, अपना नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, स्वीट कोड, IFSC कोड, ये सब डाल के आपको वहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जब सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। फिर दोस्तों उसमें क्या होगा कि जब 21 तारीख को आएगा, जब 21 तारीख हो जाएगा, जब आपके बैंक डिटेल्स सब सही आपने किए हैं, सब चीज़ सही डिटेल्स आपने उसमें भर दिए हैं, तो जब 21 तारीख होगा तो हर 21 तारीख को दोस्तों YouTube आपको एक मेल के जरिए आपको बताएगा कि हम आपका पेमेंट सक्सेसफुल हम आपके अकाउंट में भेज देते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 21 तारीख को आपको सुबह में मेल नहीं आएगा, शाम को आएगा, शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास आपको ये मेल पहुँच जाएगा। अगर 21 तारीख को मेल नहीं आया दोस्तों तो 22 तारीख को जो होता है मेल 100% आपको मोबाइल पे आ जाएगा। जब आपको मेल आ जाएगा तो आपका जो पैसा है तो उस मेल में लिखा होगा कि
आप यानी कि 5 वर्किंग डेज आपको वेट करना होगा, यानी कि 5 दिन आपको वेट करना है, 5 दिन के भीतर में आपको पैसा जो है बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। बहुत सी बैंक ऐसी है कि जो बैंक है कि वो आपसे कुछ फॉर्म वर्म भरवाती हैं, और बहुत सी बैंक है कि नहीं भी भरवाते हैं। जैसे प्राइवेट बैंक हुआ तो प्राइवेट बैंक में दोस्तों आपको 1 से 2 दिन में ही पैसा क्रेडिट हो जाता है। वहीं पर अगर सरकारी बैंक की बात की जाए तो सरकारी बैंक में दोस्तों 1-2 दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और जो ये प्राइवेट बैंक है उसमें आपको तुरंत के तुरंत आपका पैसा, मतलब तुरंत तुरंत नहीं आता, 1-2 दिन उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन जो सरकारी है उसमें 2-4 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास अगर प्राइवेट बैंक है तो आप प्राइवेट बैंक दे दीजिए, जैसे आईसीआईसी बैंक हुआ, इसके बाद में आपको बता दूँ कि ICICI हुआ, एक्सिस हुआ, HDFC हुआ, ये सब प्राइवेट बैंक है। ये सब बैंक अगर आप डाल दीजिएगा तो आपको पैसा आज वहाँ से जैसे 21 को आया तो 22 को शाम तक आपका क्रेडिट हो जाएगा। और वहीं पे अगर प्राइवेट सरकारी बैंक में दोस्तों आपको 1 से 2 से 3 दिन का आपको वेट करना ही पड़ेगा। जब ये सब चीज़ सही होगा तो आपका पैसा दोस्तों 100% दोस्तों वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जब दोस्तों YouTube का जो ये पेमेंट लेने के लिए ये चीज़ से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें YouTube का फर्स्ट पेमेंट मिलता है। तो आपने इस वीडियो में क्लियर समझ लिया होगा कि YouTube से पैसा कमाने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, और इस क्राइटेरिया को जब तक आपने कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप YouTube से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही बताया कि अगर आप एक चैनल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और आप अपने चैनल पर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूँ कि आप YouTube पर भरोसा एक YouTube पर ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आप वैसा देखें कि हाँ हमारा YouTube थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो ग्रो हो रहा है तो चलो मेरा YouTube से कुछ अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, तो आप YouTube को फुल टाइम ले सकते हो, अन्यथा आप YouTube को पार्ट टाइम में रख सकते हो, और आप अगर आप जॉब करते हो तो जॉब भी देख लो और YouTube भी आप अपना देख लो। तो छोटी सी जानकारी दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं कोई हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।